IVM हंस वाणी, हंस कथा मासिक, अब आवाज की दुनिया में। आप सुन रहे हैं हंस वाणी। पेश है पंकज सुबीर की कहानी, स्थगित समय गुफा के वो फलाने आदमी, जिसे आवाज दे रहे हैं जश्न कलम के कलाकार केसी शंकर। भाग एक। ये वबा की रात है, एक सचमुच की रात, वैसी रात जैसा कि रात के नाम के अनुसार उसको होना चाहिए, अंधेरे से भरी हुई रात, खौफ के, दहशत के, मौत के, डर के और आशंका के अंधेरे से भरी हुई रात। जिन रातों के बारे में कहा जाता है कि इन रातों की सुबह नहीं, ये वैसी ही रात है। हवाओं में मौत की खबरें हैं जो हवाओं से होते हुए दिमागों में पहुंच रही हैं, दिमाग जो सुन रहे हैं, स्तब्ध हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। ये रात एक कस्बेनुमा शहर की रात है। रात का ये निशीत प्रहर है, 9 बजे से 12 बजे के बीच का, जो कुछ ही देर में नीरवता भरे त्रियामा प्रहर में बदलने वाला है। मगर इस समय में प्रहरों के नाम भी बेमानी हो गए हैं, क्योंकि 8ों प्रहर ही त्रियामा प्रहर हो गए हैं। शांति और नीरवता से भरे हुए, मौत की खामोशी में डूबे हुए, ऐसा लग रहा है जैसे 8 प्रहरों का पूरा समय एक सपाट मैदान में बदल चुका है, जिसमें कहीं कोई परिवर्तन महसूस ही नहीं हो रहा है। सब कुछ एक सा है, रात और दिन में बस सूरज के होने या ना होने का ही अंतर रह गया है। रात बिना सूरज के जैसी है, दिन सूरज के होने के बाद भी उसी के जैसा है। ये रात भी उस दिन की परिणति है जो मृत्यु के बाद के अवशेषों को अंजाम तक पहुंचाते हुए बीता है। रात हो जाने पर हालांकि मृत्यु का काम रुका नहीं है, मगर रात में अंतिम संस्कार का निषेध होने के कारण सुबह की प्रतीक्षा में जिस्म एक के ऊपर एक थप्पियां बनाकर रखे जा रहे हैं। ये जो 3 लोग इस कमरे में बैठे हैं और चौथा जो सोया हुआ है, इन्होंने पूरा दिन बहुत व्यस्तता में गुजारा है। पूरे दिन ये लोग काम करते रहे हैं, काम जो वास्तव में इनका काम नहीं है, पर ये लोग कर रहे हैं इस काम को, उस काम को जिसे शायद कोई नहीं करना चाहे। ये लोग भूरे और उदास लोग हैं, इससे पहले इनको कोई नहीं जानता था, कोई इन्हें जानना चाहता भी नहीं था, ये होकर भी नहीं थे। ये लोग बिसरा दिए गए फलाने या ठिकाने लोग हैं, इनको फलाने या ठिकाने की ही तरह अज्ञात मृत्यु को प्राप्त होना था, मगर अचानक ये लोग ज्ञात लोग हो गए हैं। ये लोग उस काम में जुट गए हैं जिसकी इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है। इनके सेलफोन्स दिन रात इनकमिंग कॉल्स के प्रकाश में जगमगाते रहते हैं, ये मशीन की तरह सुनते हैं और चल पड़ते हैं उस दिशा में जिस दिशा से कॉल आया होता है। रात हो गई है, इसलिए इनका भी काम सुबह तक के लिए मुलतवी हो चुका है। ये तीनों बैठे हुए हैं किसी गाड़ी से निकाली गई सीटों पर। लंबी लंबी 4 सीटें हैं जो एक दूसरे से सटाकर और दीवार से टिकाकर रखी गई हैं। लोहे की सीटें जिन पर फोम है और ऊपर रेगजीन का काला सा कवर चढ़ा हुआ है। क्योंकि ये सोफे नहीं हैं, सीटें हैं, इसलिए इनको दीवार का सहारा लेकर रखा गया है। एक किनारे पर एक आदमी बैठा है, दूसरे पर दूसरा और बीच में एक।
बैठे तो क्या हैं, अधलेटे हैं इन सीटों पर। दो अधलेटे और एक लगभग लेटा हुआ। कमरे के दूसरे सिरे पर जमीन पर बिछे बिस्तर पर एक और आदमी सो रहा है, चौथा आदमी। पास ही की एक मेज पर कुछ बिस्तर लिपटे हुए रखे हैं। कमरे में तीन दरवाजे हैं, उस दीवार को छोड़कर जिससे सीटें टिकी हैं, बाकी तीनों दीवारों पर दरवाजे हैं। एक दरवाजा घर के बाहर खुलने वाला, एक बाथरूम का और तीसरा रसोई घर का। बहुत छोटा सा घर है ये, केवल एक कमरे का। ये चारों आदमी बरसों पहले बहुत से काम छोड़ चुके हैं, जैसे मुस्कुराना, ठहाके लगाना, किसी बात पर खुश होना, स्वाद लेकर खाना, अच्छी गंध को सूंघना, अच्छी ध्वनियों को सुनना, अच्छे नजारों को देखना और अच्छे स्पर्श की अनुभूति लेना। अच्छे स्पर्श का सुख भी बरसों पहले प्राप्त करते थे ये लोग, तब जब देह कल्ले फोड़ के बस जवान ही हुई थी, तुरंत शादी हुई, बच्चे हुए और बस उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। पत्नी कभी इनके लिए एक संपूर्ण स्पर्श का नाम था, अब नहीं है। इनका जीवन एक स्थगित सी समय गुफा में बरसों पूर्व प्रविष्ट हो चुका है। उस गुफा में घुसते ही ये सब भी स्थगित हो गए थे और तभी से स्थगित जीवन जी रहे हैं। स्वाद, गंध, दृश्य, ध्वनि और स्पर्श सब इस गुफा में प्रवेश से पूर्व बाहर छोड़ने होते हैं, सो ये सब उनको बाहर छोड़कर उस गुफा में प्रवेश कर गए थे। गुफा में बरसों से रहते हुए ये लोग बस नाम के ही आदमी बचे हैं, भूरे और उदास आदमी। उस स्थगित समय गुफा में जीवन और मृत्यु दोनों समरेखा पर होते हैं। यहां जीवन के रहते भी आप किसी को भी दिखाई नहीं देते और मृत्यु के बाद गुफा के अंधेरे में आप तुरंत घुल जाते हैं। गुफा में रहने वाले परादृश्य होते हैं। किनारे पर बैठा हुआ आदमी चारों में सबसे ज्यादा उम्र का है। यह आदमी किसी कारण सब कुछ स्थगित करके जीवन से बाहर निकल गया था। किसी उचाट अवस्था में बहुत दिनों तक यायावर की तरह घूमता रहा। कई शहर इसकी राह में आए, कुछ में रुका, कुछ से होकर बेगानों से निकल गया। पिछले एक दो सालों से इस शहर में है। इस घर में रहने वाले आदमी की स्कूल वैन में बैठा था किसी दिन, फिर कुछ ऐसा हुआ कि ये भी यहीं आकर उसके साथ रहने लगा, मकान के किराए में सहभागी होकर। वैन चालक पास के किसी गांव का है, यहां आया है वैन चलाकर आजीविका कमाने। उसने किसी स्कूल में एंगेज कर रखी थी अपनी वैन, बच्चों को घर से स्कूल लाने और वापस घर छोड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल तो सब स्कूल अनिश्चित काल के लिए बंद हैं। जब अचानक सब कुछ बंद हो गया तो कुछ दिन तो वैन चालक और ये यायावर जैसा आदमी दोनों अकेले इस घर में कैद रहे, दरवाजे खिड़की सब बंद करके। वैन चालक गांव वापस जा नहीं सकता था और यायावर का दूसरा कोई ठिकाना था भी नहीं। फिर एक दिन पास के घर में रहने वाले एक आदमी को देर रात को वबा का रूप धर कर आई कजा अपने साथ ले गई। घर में वो आदमी और उसकी पत्नी थी बस। पत्नी अगले दिन सुबह मदद की गुहार लिए आसपास के सब घरों में गई, पर कोई बाहर नहीं आया। ये दोनों बाहर निकले थे उसकी आवाज पर। बाहर निकले, वैन की पिछली कुछ सीटें खोलकर घर में रखी, फिर उस मृत आदमी के शरीर को सीटें निकलने से बनी खाली स्थान पर लिटाकर शमशान ले गए। उस समय तक शमशान भी शवों की बेतहाशा आवक से अराजक और बेहाल हो चुका था। भागदौड़ कर अपने हाथों से दोनों ने वहां सारी व्यवस्था करके उस आदमी का दाह संस्कार किया। फिर देखा कि कई शव वहां अंतिम संस्कार की प्रतीक्षा कर रहे हैं और करने वाला कोई नहीं है। उसके बाद ये दोनों पूरा दिन वहीं लगे रहे। इनके जैसे कुछ और भी थे जो इनकी ही तरह वहां इस काम में लगे हुए थे, अज्ञात, अपरिचित और अजनबियों के लिए। तब से अब तक ये सिलसिला चल रहा है।
इस बीच वहीं शमशान में परिचित हुए दो और लोग भी इनके साथ यहां आकर रहने लगे। ये दो लोग भी इनकी ही तरह किसी दिन शमशान पहुंचे थे और वहां की हालत देखकर रोज जाने लगे थे। वहां वहीं साथ काम करते करते इन लोगों के बीच में परिचय हुआ और फिर ये दोनों एक दिन इनके साथ इनकी वैन में बैठकर यहां आ गए और तब से यही है। इस बीच वबा ने एक एक करके इनको भी छुआ और छूकर गुजर गई। उसके छूकर गुजरने के बाद ये और खुलकर अपने काम में जुट गए। अब तो ये हाल है कि शमशान में पहले से लेकर अंतिम अग्नि इनकी ही उपस्थिति में जलती है। बहुत अजीब सी टीम है ये। सो रहा वैन चालक लगभग अनपढ़ है, यायावर आदमी और दूसरे दो आदमी ये तीनों अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। यायावर आदमी जो उम्र में इन सबसे बड़ा है, अघोषित रूप से इस टीम का लीडर जैसा है। टीम लीडर जैसे आदमी के सेलफोन पर एक आगत कॉल का प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। आदमी बिना देर किए अपनी तर्जनी को सेलफोन की स्क्रीन पर एक दिशा से दूसरी दिशा में फिराता है और उसे कान से लगा लेता है। जी हां, बोल रहा हूं। उधर से कही गई बात को सुनने के बाद ये आदमी कहता है, जी अभी तो रात हो चुकी है, रात में तो दाह संस्कार नहीं होते हैं। आप अपना पता बता दीजिए, हम लोग एकदम सुबह आ जाएंगे। उस तरफ से कही गई बात को सुनकर आदमी ने समझाने वाले अंदाज में कुछ विनम्रता से कहा, हाँ आपकी बात सही है, लेकिन इतनी रात को हम बॉडी लेकर जाएंगे कहाँ? किसी अस्पताल में डेथ हुई होती तो वहां की मॉर्चुरी में रात भर रख सकते थे, मगर डेथ तो घर में हुई है, ऐसे में बॉडी को शमशान ही ले जाना होगा। उस आदमी ने एक बार फिर उस तरफ कही गई बात के उत्तर में अपनी तरफ से समझाने का प्रयास किया, देखिए इसमें नाराज होने की क्या बात है, हम लोग सरकारी काम नहीं कर रहे हैं, अपनी मर्जी से ये काम कर रहे हैं। आप तो ऐसे गुस्सा हो रही हैं जैसे ये हमारी ड्यूटी हो और हम काम करने से मना कर रहे हों। इस बार आदमी ने अपनी आवाज को थोड़ा सा ऊंचा करते हुए उत्तर दिया, जी मैं समझ सकता हूं कि आपके पिताजी की मृत्यु हो गई है, आपकी दिमागी हालत इस समय निश्चित रूप से ठीक नहीं होगी। आई एम सॉरी, मैंने जो कहा उसके लिए, मगर आपको समझना होगा कि रात भर तो आपको बॉडी घर में ही रखनी होगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। आदमी ने उस तरफ से कही गई लंबी बात को सुनने के बाद इस बार अपनी आवाज को भरसक नरम रखते हुए कहा, देखिए हम आपके घर आने से पहले शमशान घाट जाकर नंबर लगाकर टोकन ले आएंगे, टोकन में जो नंबर मिलेगा उसी अनुसार होगा दाह संस्कार। आपको पता होगा इस समय वहां टोकन के हिसाब से ही हो रहे हैं दाह संस्कार, हमारे आपके घर जल्दी आ जाने से कुछ नहीं होगा, काम तो नंबर के अनुसार ही होगा। आदमी ने एक बार फिर समझाने की कोशिश की। बाकी दोनों आदमी भी इस आदमी की बातचीत को सुनकर अपने हाथ के मोबाइल नीचे रख कर उसकी तरफ देखने लगे हैं। आप अपनी माताजी को संभालिए, इस समय उनका दुख आपसे बड़ा है। देखिए रात तो आप दोनों को काटनी होगी, कोशिश करिए किसी रिश्तेदार या परिचित के घर से कोई आदमी आ जाए, आप दोनों को सहारा हो जाएगा, सुबह होते तक हम आ ही जाएंगे। हाँ आप सही कह रही हैं, इस समय कोई किसी के घर नहीं जा रहा है और आपके यहां तो उसी बीमारी से डेथ हुई है, ऐसे में कोई नहीं आएगा। थोड़ा सब्र रखिए आप दोनों, हाँ घर में ही रात काटिए, 12 तो बजने वाले हैं, सुबह 5-5:30 बजे तक तो उजाला होने लगेगा, गर्मी के दिन है, बस 4-5 घंटे की तो बात है, किसी तरह काट लीजिए यार। हम अभी आ भी जाएंगे तो बॉडी लेकर जाएंगे कहां? हम लोग अभी रात को दवाइयों की व्यवस्थाएं जुटाने में लगे हुए हैं, कल शाम से दवाओं की फिर से कमी हो गई है। देखिए विश्वास रखिए हम सुबह ही पहुंच जाएंगे बॉडी पैक करने वाला बैग लेकर। देखिए हम इतना कर सकते हैं कि सुबह ले जाकर शमशान में रख लेंगे, जैसे ही नंबर आएगा अंतिम संस्कार कर देंगे, आपको नंबर आने तक परेशान नहीं होना पड़ेगा। जी हाँ, आपके पति आ जाएंगे तो अच्छी बात है, उनका भी साथ मिल जाएगा हम लोगों को।
आ जाने दीजिए उनको, वो भी सुबह तक पहुंच जाएंगे और हम भी मिलजुल कर कर लेंगे सारा काम। अच्छा आप ऐसा करिए, 5-10 मिनट में कॉल कीजिए, मैं अपने साथियों से बात करता हूं, तब तक थोड़ा समय दीजिए मुझे। जी आप 10 मिनट बाद कॉल कीजिए, मैं देखता हूं क्या कर सकता हूं। यह कहकर आदमी ने मोबाइल की स्क्रीन पर उंगली फिराकर कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। क्या बात है, कौन है जो इतनी जिद पर अड़ा हुआ है? कॉल डिस्कनेक्ट होते ही दूसरे सिरे पर बैठे आदमी ने उत्सुकता से पूछा, अरे यार कोई महिला है, उसके पिताजी की अभी थोड़ी देर पहले डेथ हो गई है, घर में वो है और उसकी माँ ही है, कोई मर्द नहीं है, इसलिए घबरा रही हैं दोनों, कह रही हैं आप अभी आकर बॉडी ले जाओ। अब इतनी रात को हम बॉडी वहां से उठाकर क्या करेंगे उसका, शमशान में तो जो कुछ होना है सुबह ही होना है। हाँ बात तो सही है, लेकिन उनकी बात भी तो सही है, दोनों औरतें घर में अकेली हैं, घबराहट तो होगी, और फिर ये भी तो बात सही है कि एक का पति मरा है और दूसरे का पिता, जाहिर सी बात है ऐसे में रात काटना सचमुच मुश्किल होगा उन दोनों के लिए, बीच में बैठे हुए तीसरे आदमी ने कहा। यार वो तो मैं भी समझ रहा हूं, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, सुबह होने का इंतजार करने के अलावा और क्या कोई चारा भी तो नहीं है, जो कुछ होना है वो तो सुबह ही होना है। मगर वो औरत कह रही है कि सुबह तक तो मेरे पति भी आ जाएंगे यहां, उसके बाद तो आप लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जरूरत तो अभी है। कोई ना कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा उन दोनों की परेशानी का, वो अभी जिस हाल में है उसमें उन्हें हमारी बहुत जरूरत है। सोच उन्होंने हमको ही क्यों कॉल किया, अगर कॉल किया है तो इसका मतलब यह है कि उनको विश्वास है कि हम इस मुश्किल का हल निकाल सकते हैं, कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा, बीच में बैठे हुए आदमी ने कुछ सोचते हुए कहा। मगर क्या कर सकते हैं यार, अभी बॉडी को वहां से उठा नहीं सकते, उठा लिया तो करेंगे क्या, उसका कहां लेकर जाएंगे, उसको शमशान में तो अंदर जाने मिलेगा नहीं, वो कह रही है कि बॉडी को अभी उठाकर ले जाइए यहां से। कॉल सुनने वाले आदमी ने एक बार फिर उलझन भरे स्वर में प्रश्न किया, अरे चलो वहां चलते तो हैं, वहीं चलकर सोचेंगे कि क्या करना है, कुछ नहीं कर पाए तो वैसे ही वहां बैठे रहेंगे, नहीं तो अपनी गाड़ी में ही बैठे रहेंगे, हमारे वहां बैठे रहने से उन लोगों को तसल्ली रहेगी कि कोई तो है उनके पास, बीच में बैठे हुए आदमी ने उठते हुए कहा। ठीक है चलो चलते हैं, इसको उठा दो। कॉल सुनने वाले आदमी ने भी उठते हुए और सो रहे आदमी की तरह इशारा करते हुए कहा। उसके इतना कहते ही एक आदमी ने बढ़कर सो रहे आदमी को हिलाकर उसे जगाया। क्या हुआ, सो रहे आदमी ने घबरा कर उठते हुए पूछा। चलो उठो आओ चलना है कहीं, टीम लीडर जैसे आदमी ने कहा। अभी, उस आदमी ने बिस्तर पर बैठे बैठे ही पूछा। हाँ अभी चलना है, कुछ इमरजेंसी है, चलो। सोने वाला आदमी बिस्तर से उठा और पास ही दीवार पर खूंटियों से लटके अपने कपड़े उतारकर पहनने लगा। यही वैन चलाता है, इसलिए इसके बिना बाकी तीनों कहीं जा नहीं सकते। वैन चालक पहले बहुत अनिच्छा के साथ इस काम में साथ हुआ था, फिर धीरे धीरे वो भी इस काम में मन से जुड़ गया। जुड़ गया है क्योंकि उसके दिमाग में कहीं पाप पुण्य वाला गणित है जो हर ग्रामीण के दिमाग में होता है। कपड़े पहनने के बाद उसने अपने बिस्तर को लपेट कर मेज पर रख दिया, दूसरे बिस्तरों के ऊपर। कुछ सामान तो रखना नहीं है साथ में, वैन चालक ने वैन की चाबी उठाते हुए पूछा। अरे सब तो वैन में रखा है, अलग से क्या रखना है, एक ने कुछ बेफिक्री से उत्तर दिया। उसके उत्तर देते ही चारों तेज कदमों से बाहर निकल गए। उनके बाहर निकलते ही वैन चालक ने दरवाजा बाहर से लगाकर बंद कर दिया। चारों आदमी घर से निकलकर बाहर खड़ी वैन के पास आ गए। वैन पर बाहर लिखा हुआ है स्कूल वैन, मोनोलिसा कॉन्वेंट स्कूल। इसी वैन से निकली हुई सीटें अंदर ड्राइंग रूम में सोफे का काम कर रही हैं। आगे कुछ सीटें हैं जिन पर कुछ सामान रखा हुआ है। चारों ने बाहर आकर वैन से नीले रंग की ड्रेसें निकाली
और वहीं खड़े होकर उनको पहनने लगे। कुछ ही देर में वो एकदम अंतरिक्ष यात्रियों की तरह नजर आने लगे, सिर से पैर तक नीले रंग से ढके हुए। वैन चालक आकर वैन की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। वैन में बैठते ही उस आदमी के सेलफोन में रिंग बजना शुरू हो गई जिसने महिला से बात की थी। जी, हम लोग बस निकल रहे हैं यहां से, आपके घर आकर ही तय करेंगे आगे क्या करना है। आदमी ने उस तरफ से कोई आवाज आने से पहले ही अपनी बात कह दी। जी देखा हुआ है मेरा, शिवा होटल के सामने बताया था ना आपने। हाँ बस पहुंच रहे हम लोग, आदमी ने उस तरफ की बात का उत्तर दिया। जी जी ठीक है, कहकर आदमी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कॉल डिस्कनेक्ट होते ही वैन का इंजन घरघराया और वैन चल पड़ी। पूरा शहर मौत के सन्नाटे में डूबा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे शहर में कोई जीवित ही नहीं बचा है। दहशत से भरी हुई खामोशी को तोड़ रही है वैन के इंजन के घरघराने की आवाज। अभी 12 नहीं बजे हैं। इस समय तक तो इस कस्बे नुमा शहर में जिंदगी जागती रहती थी। पान की दुकानें, चाय की गुमठियां, इन पर ग्राहकों की आवाजाही चलती रहती थी। अपनी अपनी दुकानें बंद करके रात का खाना खाकर दुकानदार निकल पड़ते थे शहर की पटियों पर गप्पे लड़ाने। और फिर ये पटिये देर रात तक गुलजार रहते थे। अब इन पटियों पर सिर्फ सन्नाटा बिछा हुआ है। सन्नाटा जो केवल खामोशी नहीं है बल्कि उसमें दहशत भी घुली हुई है, मौत की दहशत। वैन कुछ देर तक सड़क पर दौड़ते रहने के बाद एक संकरी गली में मुड़ गई। गली में एक दो बार दाएं बाएं मुड़ने के बाद वैन एक अपेक्षाकृत खुले स्थान पर पहुंचकर रुक गई। एक खुला स्थान जिसमें कुछ गलियां आकर खत्म हो रही हैं। बीच में एक पीपल का पेड़ लगा हुआ है जिसके नीचे बने हुए चबूतरे पर कुछ पत्थर रखे हैं गोल गोल से, जिन पर सिंदूर कुमकुम लगा हुआ है और कुछ रंग बिरंगे धागे लपटे हुए हैं। धागे पीपल के तने पर भी लपटे हुए हैं। पीपल के एक तरफ कुछ टूटी हुई लकड़ी की बेंचें पड़ी हुई हैं। एक तंदूर है जो बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है। गिरे हुए शटर के ऊपर शिवा होटल का बोर्ड लगा हुआ है। वैन ठीक उस होटल के सामने आकर रुक गई है। जहां वैन रुकी है वो एक घर का सामने का हिस्सा है। दूसरे घरों की तरह यहां भी म्यूनिसिपल की नाली पर अतिक्रमण करके एक चबूतरा सा बनाया हुआ है। इस चबूतरे को बनाने की याद अक्सर पूरा घर बन जाने के बाद ही आती है, और फिर म्यूनिसिपल की नाली पर अतिक्रमण करने के अलावा कोई चारा नहीं रहता है। इस सुनसान और सन्नाटे से भरी हुई रात में यही एक घर है जिसके दरवाजे खुले हुए हैं। घर के अंदर का प्रकाश दरवाजे से होकर बाहर आ रहा है और चबूतरे को पार करके सड़क पर फैला हुआ है। इसी प्रकाश के कारण ये गली दूसरी गलियों की तरह एकदम अंधेरे में डूबी हुई नहीं है। चबूतरे पर दो औरतें हैं, एक बैठी है और दूसरी खड़ी हुई है। जो बैठी हुई है वो 55-60 के आसपास की उम्र में है और जो खड़ी है वो 30-35 की उम्र की है। दोनों के चेहरे पर एक के ऊपर एक 3 मास्क लगे हुए हैं। वैन आने से पहले दोनों उसी दिशा में व्याकुलता के साथ देख रही थीं जिस दिशा से वैन आई है। वैन जैसे ही उनके घर और होटल शिवा के बीच आकर खड़ी हुई, वैसे ही दोनों महिलाओं के चेहरे पर फैली बेचैनी एकदम कम हो गई। वैन चालक को छोड़कर बाकी के तीनों आदमी वैन से उतर गए। तीनों आदमियों के वैन से उतरने तक खड़ी महिला भी चबूतरे के किनारे पर उनसे दूरी बनाते हुए खड़ी हो गई। बहुत देर लगा दी आपने, महिला ने कुछ एतराज के स्वर में पूछा। नहीं देर तो नहीं हुई, यहां तक आने में जितना समय लगना था उतना ही लगा है, एक आदमी ने उत्तर दिया। कहाँ है बॉडी, दूसरे आदमी ने पहले के उत्तर के समाप्त होते ही प्रश्न किया। ऊपर, महिला ने इतना कहकर खुले दरवाजे से दिखाई दे रही सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। ठीक है, हम अभी सुबह तक की व्यवस्था कर देते हैं, सुबह होते ही ले जाएंगे बॉडी को अपने साथ।
वो आदमी जिसके हाथ में प्लास्टिक का नीला बैग सा है, उसने अपने हाथ के बैग की तरफ इशारा करते हुए कहा, नहीं भैया, आप तो ले जाइए बॉडी अपने साथ, यहां कैसे रख सकते हैं रात भर। महिला ने आदमी की बात का तुरंत विरोध किया, कुछ नागवारी के अंदाज में कहा। पीछे चबूतरे पर बैठी दूसरी महिला इस पूरी बातचीत से एकदम निष्प्रिय बैठी हुई है, मानो वो यहां है ही नहीं। देखिए, आप समझ नहीं रही हैं, इस समय बॉडी लेकर जाएंगे कहां? शमशान में तो सुबह से ही दाह संस्कार प्रारंभ होंगे, उसी समय ले जाएंगे यहां से। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लोग घर में अकेली हैं, तो हम लोग बाहर वैन में रात भर रुकते हैं, आप आराम से सो जाइए जाकर, दूसरे आदमी ने बात को बढ़ाते हुए कहा। नहीं, ऐसे ऐसे कैसे सो सकते हैं हम घर में? प्लीज आप ले जाइए बॉडी को, कहीं भी ले जाइए, पर यहां से ले जाइए। महिला का स्वर कुछ नरम हो गया। अच्छा, पहले हमें देखने तो दीजिए जाकर, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। तीसरे आदमी ने पहली बार हस्तक्षेप करते हुए तथा हाथ से सीढ़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, जी आप देख आइए, सीढ़ियों से लगा हुआ कमरा है ऊपर। महिला ने भी अंदर की तरफ इशारा करते हुए कहा। तीनों आदमी चबूतरे की सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। उनके बढ़ते ही खड़ी हुई महिला उनसे दूरी बनाने के लिए चबूतरे के दूसरे सिरे पर जाकर खड़ी हो गई। चबूतरे से गुजरते हुए उनकी नजर दूसरी महिला पर पड़ी, जो गठरी सी बनी हुई चबूतरे के कोने पर बैठी है। तीनों आदमी उसके पास से गुजरते हुए अंदर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। सीढ़ियों से होकर जब तीनों आदमी ऊपर पहुंचे तो देखा कि कमरे का दरवाजा बंद है। दरवाजे को खोलते ही बदबू का भपका आया। कमरे की लाइट जल रही है, मगर कमरे का पंखा बंद है। इतनी गर्मी होने के बाद भी बंद है। एक 60-65 की आयु के आदमी का शरीर लोहे के सिंगल बेड पलंग पर पड़ा हुआ है। आदमी ने मलमूत्र विसर्जन मरने से पहले पलंग पर ही कर लिया था, जिसकी बदबू का भभका कमरे में फैला हुआ है। कमरे में दरवाजे से लगी हुई दीवार के पास थालियां रखी हैं, जिनमें रोटी सब्जी है और दो पानी की बोतलें भी उनके आसपास लुढ़की हुई है। शायद किसी ने दरवाजा थोड़ा सा खोलकर बाहर से ही कमरे के अंदर ये थालियां और बोतलें सरकाई होंगी मर चुके आदमी के खाने के लिए। लेकिन मर चुका आदमी मरने से पहले इतना अशक्त हो चुका होगा कि उसके शरीर में इतनी भी ताकत नहीं रही होगी कि वो उठकर थालियों तक पहुंच सके खाना खाने के लिए। पलंग के पास एक छोटा सा लोहे का स्टूल है, जिस पर कुछ दवाइयों के रैपर हैं, एक पानी की खाली बोतल और एक गिलास रखा है। पलंग के पास भी कुछ थालियां हैं, कुछ थालियां खाली हैं, कुछ थालियों में थोड़ा बहुत खाना बचा हुआ है। जब उसमें उठने की ताकत रही होगी तब उसने थालियां उठाकर खाना खा लिया होगा। जब अशक्त हो गया होगा तो बस यहां लेटे लेटे कमरे में सरकाई जा रही थालियों को ही देखता रहा होगा। कमरे में एक दरवाजा और है, शायद बाथरूम का, जहां वो मरने से एक दिन पहले तक उठकर जाता रहा होगा। फिर मरने से एक दिन पहले से उसने पलंग के गद्दे को ही इन कामों के लिए उपयोग किया। मर चुका आदमी एकदम उल्टा सोया हुआ है, एक बिना कवर वाला तकिया उसके नीचे दबा हुआ है, एक पैर थोड़ा सा पलंग से बाहर लटका हुआ है। पलंग पर बस एक पतला सा रुई वाला गद्दा बिछा हुआ है, उस पर कोई चादर नहीं है। मर चुका आदमी लोअर और टी शर्ट पहने हुए है, एक हाथ सिर के नीचे है और दूसरे हाथ की मुट्ठी में गद्दे के ऊपर के कपड़े को भींचा हुआ है। गद्दे पर पसीने के भी बड़े बड़े चकत्ते बने हुए हैं, बिना पंखे के सोते हुए खूब पसीना निकला होगा। कमरे में ज्यादा कुछ सामान नहीं है, एक सिंगल पलंग, उस पर एक गद्दा, एक तकिया, एक स्टूल और बस वो थालियां और बोतलें। एक आदमी थालियों और बोतलों से बचता हुआ मर चुके आदमी तक पहुंचा। मर चुके आदमी की कलाई पर नब्ज टटोलने की कोशिश की,
कुछ देर प्रयास करता रहा, फिर हाथ के इशारे से दूसरे दोनों आदमियों को बताया कि आदमी मर चुका है। उसने मर चुके आदमी के पलंग से बाहर निकल रहे पैर को धीरे से पलंग पर किया। कुछ देर तक तीनों कमरे में इधर उधर देखते रहे, फिर कमरे से बाहर निकलकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। इनकी डेथ कब हुई? नीचे आते ही एक आदमी ने खड़ी हुई महिला से पूछा। उसके प्रश्न पर खड़ी हुई महिला ने बैठी हुई महिला की तरफ देखा। शाम को ही होगी, मैं जब रात का खाना देने ऊपर गई तो थाली सरका के जब मैंने खाने की आवाज दी तो अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अच्छा, मगर आपकी दो थालियां तो अंदर वैसी की वैसी रखी हैं, उनको आपके पिताजी ने उठाया तक नहीं है। ओ, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं थालियां रखने जाती थी तो कहती थी कि खाना रखा है, वो अंदर से कुछ ना कुछ जवाब भी देते थे। खड़ी महिला ने कुछ उलझन भरे स्वर में उत्तर दिया और एक बार फिर से बैठी हुई महिला की तरफ देखा। आज सुबह भी दिया था जवाब? हाथ में बैग पकड़े हुए आदमी ने पूछा। नहीं, आज सुबह तो जवाब नहीं दिया था, मुझे लगा कि शायद बाथरूम में होंगे। कल रात को जब आप खाना रखने गई थी तब दिया था जवाब? जवाब तो कल रात भी नहीं दिया था, लेकिन कमरे से खटर पटर की आवाज आई थी। खड़ी महिला के चेहरे पर प्रश्न का उत्तर देते हुए कुछ नागवारी उभर आई। आपने अंदर जाकर नहीं देखा? अंदर कैसे जा सकती थी मैं भी तो इन्फेक्टेड हो सकती थी। और आप ये क्या पुलिस की तरह पूछताछ कर रहे हैं कि कब बात हुई थी, क्या कब खटर पटर हुई थी? आपके पिता शायद आज सुबह या दोपहर को ही मर गए। मरने से पहले उन्होंने टट्टी पेशाब सब बिस्तर पर ही किया है, पूरा कमरा बदबू से भरा हुआ है। देखिए, अभी तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग, जो कुछ करना है अब सुबह ही होगा। महिला के उत्तर में एक आदमी का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसने कुछ रूखे तथा नाराजगी भरे स्वर में उत्तर दिया। खड़ी हुई महिला ने एक बार फिर कुछ उलझन भरी नजरों से बैठी हुई महिला की तरफ देखा। बैठी हुई महिला उसके देखने से निरपेक्ष, पूर्व की तरह केवल गठरी ही बनी रही। आपने सुनी जश्न-ए-क़लम के कलाकार केसी शंकर की आवाज में पंकज सुबीर की कहानी स्थगित समय गुफा के वो फलाने आदमी। ये कहानी हंस पत्रिका के फरवरी 2022 अंक में प्रकाशित हुई थी। सुनिए हंस वाणी को hanshindimagazine.in पर या IVM पॉडकास्ट ऐप और वेबसाइट पर या फिर अन्य पॉडकास्ट ऐप्स पर। आशा है इस नए सफर में हमें आपका प्यार और साथ मिलेगा। There's a quick survey to fill out on ivmpodcast.com/survey. It lets us know a little bit more about who's listening to us. And you know what? We're going to do a few prizes. So, I mean, like, we'll do a random drawing of, like, maybe 10 people, and we'll send you all some swag. Remember, that's ivmpodcast.com/survey, where you can fill out the survey. Hello, hello, hello. It's been another great week on the IVM Podcast Network. On Cock and Bull, Cyrus Meghnad, Shreyas and Abbas discuss Vijay Mallya getting sentenced to jail for 4 months and fined 2,000 rupees for contempt of court. On Ikka Dukka Economy, Abhinav explains how the fiscal credentials of the government work. On Smarter with Sid, Siddharth explains the difference and importance of time in the market versus timing in the market. The Wire Talks host Siddharth Bhatia talks to history professor and secretary of JNU, Professor R. Mahalakshmi. The duo decode the ongoing Kali movie poster controversy. And on Marathi, Kirki Tanda Deshmukh recite Marathi writer Purushottam Shivram Rege's poem, Anpahat Hota. Before I leave, I just want to remind you all that we have some amazing merchandise for you guys. Please go to our website, click on the shop tab and check out the collection of t-shirts. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Don't forget to rate us on any of the platforms you're listening to us. And remember, you can also check us out on YouTube. We're also doing a small listener survey, which helps us understand who you all are. I mean, our listeners. And we'd really appreciate it if you could spare a few minutes to fill it out. It helps us build better shows for you.
And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Boat Lifestyle, Small Case, Capgemini, and Intel vPro. Thank you so much for making this possible.